आज मैं बताने वाला हूँ बेन जोन्स प्रोटीन यूरिन फोर बीजेपी, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है। इसका प्रोसीजर किस तरीके से अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, चलिए आइए इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसमें रिक्वायरमेंट अपन को रहेगी 3% एसिटिक एसिड, यूरिन सैंपल जिस पेशेंट का अपन को टेस्ट परफॉर्म करना है, बोरोसिलिकेट टेस्ट ट्यूब, ट्यूब होल्डर एंड ट्यूब स्टैंड। और एक और चीज़, इसमें अपन को ज़रूरत रहेगी फ़िल्टर पेपर की भी, क्योंकि अपन को फ़िल्टर करना रहेगा यूरिन को। ये फ़िल्टर पेपर भी है और इसके लिए लगेगा अपन को वाटर बाथ। सबसे पहले अपन को इसमें यूरिन फिल करना है, 2/3 पार्ट तक इसमें यूरिन सैंपल लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसमें 2/3 पार्ट तक यूरिन ले लिया है। इसको रखेंगे स्टैंड में इस तरीके से, यूरिन के कंटेनर कर देता हूँ कैप। इसमें 2 to 3 ड्रॉप अपन को एसिटिक एसिड डालना है। ये 3% एसिटिक एसिड है, ये जो है लेवल भी आपको दिख रहा है एसिटिक एसिड, इसको 2 to 3 ड्रॉप डालना है। ये पीपेट की हेल्प से मैं इसमें ले लेता हूँ, ये इस तरीके से मैंने कर दिया ऐड इसमें। अब इसको करेंगे हीट। इसके लिए अपन सबसे पहले इसको ट्यूब होल्डर से इसको कर लेते हैं पकड़ने के लिए इस तरीके से। तो ये रहा अपना वाटर बाथ। वाटर बाथ का यहाँ पे मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया 60 डिग्री। अभी इसका टेम्परेचर 34.7 है, ये जैसे ही 60 पे आएगा यहाँ पे सो हो जाएगा। अपन इसमें रखेंगे सैंपल जो कि अभी मैंने ट्यूब में लिया था सैंपल, इसको इस तरीके से इसमें रख देंगे और 60 डिग्री टेम्परेचर पर इसको एक बार अपन ऑब्जर्व करेंगे इसमें प्रिसिपिटेट बना है या नहीं बना, तो अपन वो देखेंगे। तो अपन करते हैं इसके लिए थोड़ा इंतज़ार। इसमें बेसिकली मैंने आपको बताया अपन करेंगे इसमें 3 स्टेप को फॉलो। फर्स्ट में यूरिन सैंपल को करेंगे 60 डिग्री टेम्परेचर पे हीट, देन उसके बाद करेंगे 100, फिर वापस 60 डिग्री पे अपन इसको हीट करेंगे। इसमें अपन टर्बिडिटी चेक करते हैं, नॉर्मल जो प्रोटीन रहेगा इसमें 60 डिग्री पे भी ये जो है प्रिसिपिटेट बना लेगा, 100 पे जो है नॉर्मल प्रोटीन डिसॉल्व नहीं होगा। बट ये जो है मल्टीपल मायलोमा लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन डिसॉल्व हो जाता है। जैसे अपन ऐसे इसमें प्रिसिपिटेट बनता है 100 डिग्री पे, तो अपन उस सैंपल को फिर अपन फिल्टर करेंगे फ़िल्टर पेपर से, देन उसके बाद अपन 60 डिग्री टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे, फिर प्रिसिपिटेट देखेंगे। अगर प्रिसिपिटेट बनता है उस कंडीशन को हम बेन जोन्स प्रोटीन यूरिया कहते हैं। इसका टेम्परेचर दिखाई दे रहा होगा आपको इस तरीके से, अभी जो है 60 डिग्री पे ये मैंने सेट करके रखा था। अब इसका जो टेम्परेचर 60 हो गया, अब इसको ऑब्जर्व करेंगे 60 डिग्री पे प्रिसिपिटेट हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से आपको इसमें कुछ प्रिसिपिटेट दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये मल्टीपल मायलोमा लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन है या नॉर्मल जो प्रोटीन वो है। अब इसको करेंगे 100 डिग्री पे फिर से अगेन हीट, 100 पे जैसे ही होता है उसके बाद करेंगे इसको फिल्टर, देन फिर इसको करेंगे 60 डिग्री पे फिर से हीट। इसका मैंने इस तरीके से 100 डिग्री पे इसको कर दिया है सेट। इसका अभी जैसे आया था 60 पे, इसका सेम 100 पे यहाँ पे आ जाएगा इसका टेम्परेचर, फिर अपन करेंगे इसको ऑब्जर्व। ये जो है 99.2 ऑलमोस्ट लगभग ये कंप्लीट होने वाला है 100 डिग्री टेम्परेचर इसका। अब करते हैं ऑब्जर्व इसको, 100 डिग्री इसका टेम्परेचर है, ये केयरफुली करना है, काफ़ी गर्म है, इसमें स्टीम निकल रही है इस तरीके से। पहले छोटा वाला ओपन करते हैं इस तरीके से, फिर मैं कर लेता हूँ पूरा ओपन इस तरीके से। ये देखो पानी इसमें क्या है, एकदम बॉयल हो रहा है। इसको हम उठाएंगे, मैंने अभी बताया ट्यूब होल्डर की हेल्प से, फिर करेंगे इसको ऑब्जर्व। अभी ये जो है आपको इसमें किसी भी प्रकार की टर्बिडिटी या प्रिसिपिटेट नहीं दिखाई दे रहा हो, सिर्फ डिपॉजिट में आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल प्रोटीन मैंने बताया था। तो चलिए इसको करते हैं फ़िल्टर, देन फिर अपन करेंगे इसको 60 डिग्री पे हीट।
इसको अपन फिल्टर कर लेंगे अदर टेस्ट ट्यूब में। तो ये मैंने थोड़ी बड़ी टेस्ट ट्यूब ले ली है और ये फिल्टर पेपर इस पे लगा दिया। इसको करेंगे अपन इस तरीके से, केयरफुली ट्रांसफ़र करना है इसको। काफ़ी गर्म है तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फिल्टर हो रहा है यूरिन और इसके अंदर स्टोर हो रहा है। जैसे ये फिल्टर होता है इसको करेंगे अपन ट्यूब में ट्रांसफ़र और फिर अपन इसको करेंगे 60 डिग्री पे हीट। ये इस तरीके से मैंने फिल्टर करने के बाद इसको फिर अदर टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है फिल्टर यूरिन हमें मिल गया है। अब इसको करेंगे हीट 60 डिग्री पे। ये जो है 60 डिग्री पे अब आ गया है। इसको थर्ड टाइम अपन इसमें रखेंगे फिल्टर करके। यूरिन सैंपल को मैंने कर लिया है फिल्टर। इस तरीके से इसको रखेंगे, इसमें हीट करेंगे, फिर इसमें देखेंगे प्रिसिपिटेट किस तरह से, इसमें प्रिसिपिटेट बनता है। अगर प्रिसिपिटेट बनता है तो मल्टीपल माइलोमा इसमें प्रेजेंट है। और फिर इसको जाएंगे अपन रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, फिर ये जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। तो फिर अपन मानेंगे पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा है। इसमें मैं अब निकाल लेता हूँ इसको, को टाइम हो गया। इसमें ऑब्जर्व करेंगे इस तरीके से, इसमें किसी भी प्रकार का आपको प्रिसिपिटेट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर प्रिसिपिटेट दिखाई देता तो मल्टीपल माइलोमा प्रेजेंट होता। तो ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज़ नेगेटिव फॉर मल्टीपल माइलोमा।